अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरी मैं दीवानी हो गई। तुम पार्क के लिए और पार्क तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। आप क्या कर रही हैं? हम जो भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं मीरा पार्थ से प्यार करती है। हाथ जोड़ते हैं आप क्या के? हमारी बेटी मीरा का नाम उस खूनी पार्थ के साथ मत जोड़िए। जो भी बोलो छाया, सोच समझ कर बोलो। तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वो पार्थ इस घर का बेटा है जिस घर में तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता लेके आई हो। जानते हैं, और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी और रिश्ता इस घर के बड़े जिम्मेदार और इज्जतदार बेटे गर्व से हो रही है। आप इस तरह की बातें बीच में करके ना हमारी बेटी को बरगलाइए मत। विनती करते हैं आपसे, आप अपने उस खूनी बेटे को ना हमारे गले बांधने की कोशिश मत करिए। छाया, तुम हमारे घर में खड़ी हो, हमारी छत के नीचे अतिथि हो, इस बात का लियाज करते हैं। पर तुम अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा होगा। और रही बात हमारे लल्ला की, तो पार्थ खूनी नहीं है, सिर्फ एक हादसे का शिकार है। और ये बात तुम्हारी बेटी जानती है और मानती भी है, और इसीलिए वो हमारे पास से प्यार करती है। हमने खुद ने देखा है उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार। तो फिर वो प्यार गर्व के लिए कैसे हो सकता है? नहीं कर सकती वो। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। करेगी वो गर्व से प्यार, क्योंकि अब वो समझदार हो गई है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब बातें करके उसे बहकाइए मत। पर अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं, कुछ भी हो हम अपनी बेटी को इस गर्व में कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। चलते हैं, नमस्ते। हे कान्हा जी, ये सब क्या हो रहा है? फिर से आपने हमें दुविधा में डाल दिया। हमने मीरा से सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। और अब छाया कह रही है कि मीरा अपनी मर्जी से गर्व से शादी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं? कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम। हे कान्हा जी, अब आप ही रास्ता दिखाए हैं। पापा, बाहर आइए। प्रभु, कहीं गर्व को सब पता तो नहीं चल गया? पापा, गर्व क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ? बुलाइए उन्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे उन्हें क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ानी होती है? क्या हुआ, पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? क्या है? क्या ये? क्या फालतू डील साइन की आपने? ये जिस बिजनेस की तुम बात कर रहे हो ना बेटा,
उसकी नींव हमने रखी है। हमें डील अच्छी लगी इसलिए हमने साइन कर ली। वाह, इन्हें डील अच्छी लगी तो इन्होंने साइन कर ली। अरे जो आपको गोल्डन चांस लग रहा है ना, वो घाटे का सौदा है। अरे आपको हजार बार बोल चुका हूं कि अपना आउटडेटेड दिमाग लेके घर पे बैठिए। गर्व, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? प्लीज, अगर इनका लिहाज करके हम यूं ही घाटे खाते रहे ना, तो एक दिन हम सब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। और इन्हें क्यों जाना है ऑफिस, जब हमने बिजनेस संभाल लिया है तो घर पे बैठे ना। और अगर इतना ही शौक है तो एक टॉफी बिस्किट की दुकान खोल के दे देते, बैठ जाइए वहां पे, हो जाएंगे आपके शौक पूरे। हाँ भैया, बस बहुत हो गया, अब एक शब्द भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये क्या तरीका पापा से बात करने का? हाँ, किसने दिया आपको ये हक? अरे पापा है हमारे, आपके पाले हुए नौकर नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये सुनते जाएंगे। ओ हेलो, तुम तो बीच में आओ ही मत, समझे? जब तुम जेल की रोटियां तोड़ रहे थे ना, तब ये घर मैं संभाल रहा था, ये बिजनेस मैं संभाल रहा था। आजाद है काम बिगाड़ने के लिए। माना कि गलती से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है पापा को ऐसे बेइज्जत करने का। अच्छे से बात हो सकती है भैया, ये गलत है। अच्छा है? अब तुम हमें समझाओगे कि पापा से कैसे बात करनी है? हा? भूल गए क्या तुम कैसे बात करते थे तुम पापा से पहले? हम बीच बचाव करते थे तब। Exactly. पापा ने हमेशा आपका साथ दिया है, आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहते थे, चाहे आप सही हो या गलत, गुनेगार हो या बेगुनाह। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। राम हो या रावण, राम का तमगा हमेशा आपको मिला है भैया। अगर गर्व का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात शायद आप भूल गए हो, ये जो आप बिजनेसमैन बने घूमते हैं ना, ये सब पापा की बदौलत है। और इन 7 सालों में ये जो सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी आप चढ़े हैं ना, उनका दाव पापा के हाथों में था। अरे ये सब तो याद कर लीजिए। और एक बात, जेल से आए हैं तो जेल का ताला अपनी जुबान पे लगा के नहीं आए हैं, और इन बेड़ियों से अपनी सोच नहीं बांधी है। एक बात याद रखिएगा भैया, बात जब पापा के सम्मान पे आएगी तो हमारी जुबान और खुल जाएगी और हमारी मर्यादाएं अपनी सीमाएं लांघ जाएगी। धमकी दे रहे हो क्या? मैं आगाह कर रहे हैं ताकि धमकी देने की नौबत ना आए। बस करो तुम दोनों, जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हो। कम से कम आज के दिन तो शांति रखो, कुत्ते बिल्ले की तरह झगड़ रहे हो दोनों। खुशी का मौका है घर में और तुम दोनों, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, जाओ अपने अपने कमरे में बस। माँ, कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। और पार्थ, हमने लिस्ट लिया था ना बाजार जाकर सामान लाने के लिए, जाओ जाकर सामान लेकर आओ। इसकी सगाई है उससे कहिए, वो लेके आए, हम कहीं नहीं जाएंगे।
मीरा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे हम? हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे और हम अब भी क्लियर हैं। और अब हमें कोई भी किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकता है, और ये तय है। हे तूफान, तुम ये पार्क के बारे में बात तो नहीं कर रही है, और इसे घर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो? ठीक आना जी, फिर दोबारा से इसका पागलपन शुरू ना हो जाए। अरे क्या मतलब है कि आपको माँ से बात करनी है? ये हमारा मैटर है ना, तो आप हमसे बात करिए। मीरा बेटा, किसे बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी शादी है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। मीरा, मम्मी क्या है ये सब? क्यों कर रही हो मैं इतना बड़ा समझौता? कौन था फोन पे और किससे बात कर रही थी? कैसे समझौता? हमारी शादी है या कोई मजाक? हम नहीं करेंगे ऐसे शादी। ये बुटीक वाली पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देखिए कैसी फोटो भेजी है, क्या डिजाइन भेजी थी हमने, और ये क्या भेजा है इसने? ऊपर से ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करें हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब मीरा ने शायद दादी की बात नहीं सुनी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम है ना, हम सब सही कर देंगे। हाँ, और सही बात है, क्यों करोगी तुम कॉम्प्रोमाइज? आखिर शादी है हमारी बेटी की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तुम। वही तो। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीरा बेटा, क्या गर्व की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था? कुछ कहा उन्होंने? ओ हाँ, हम तो भूल ही गए उन्होंने फोन किया था, पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। पर आपने अच्छा याद दिला दिया, हम उन्हें अभी कॉल कर देते हैं। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई उनके साथ। अच्छा तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ये शादी ब्याह की रस्मों के बारे में बातें कर रही थी, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम उन्हें परेशान मत करो, सगाई की तैयारियों में व्यस्त है ना वो। अच्छा ठीक है। हे कान्हा जी, लाज रख ली आपने हमारी, ये जरूर उस तावीज का कमाल है। मेरा बेटा, वो तावीज पहन रखी है ना तुमने? ये पार्थ को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। हमें पूरा यकीन है, मीरा सिर्फ और सिर्फ हमारे लल्ला से प्यार करती, तो फिर गर्व से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? कहीं वो बच्ची को किसी ने मजबूर तो नहीं किया? दादी संभाल कर, कहाँ खोई हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? आराम से। क्या सोच रही थी आप? लल्ला, अगर आज तुम नहीं आते तो हम कुछ नहीं होता आपको, जान हो आप हमारी, समझे? और जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। अब हमने क्या कर दिया? क्यों रो रही है? लला लोग चाहे कुछ भी कहे, हमारे राम तो तुम ही हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितना कुछ बोलते हैं लोग हमको, आज तक सुनी है हमने उनकी, जो आज सुनेंगे। पर हम नहीं सुन सकते ना, नहीं सह सकते तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे। सच कह लला, हम तो डर हैं। जब से तुम वापस आए हो ना,
कोई तो है, किसी के दिल पे तो सांप लौट रहे हैं। दादी आपको पता है ना, इन चीजों में विश्वास नहीं है हमें। नहीं चुप। दादी छाया या और कुछ भी कहे, हम जानते हैं पार्थ और मीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। हे काला जी, अब आप ही कुछ करिए। अभी खुश बोलो मीरा, तावीज पहनी है ना तुमने? हाँ माँ पहनी है ना, हम क्यों उतारेंगे भला? हाँ बेटा, किसी भी हालत में मत उतारना उसे। मीरा, हम तुम्हारी सगाई की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं, तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलते। हम क्या करें, अगर मम्मी ने देख लिया कि हमने तावीज नहीं पहनी हुई है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, प्लीज। अरे तुम अभी तक यही खड़ी हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपकी तावीज की वजह से मीरा और पार्थ में इतनी दूरियां आ गई हैं। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रहे और जल्द गर्व और मीरा की शादी हो जाए, फिर हम चैन की सांस लेंगे। इतनी सारी शॉपिंग हो गई है ना बिट्टू के लिए तो बहुत अच्छा। अरे वो तो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। अरे वो एक मिनट, अरे मीरा बेटा, लगता है जल्दी जल्दी में ना हम वो ब्लाउजेस का पैकेट टेलर के वहीं भूला है, चलो ले आते हैं। अरे नहीं मम्मी आप रुकिए, हम जाकर लेकर आते हैं, आप बैठिए कार में। हाँ ठीक है बेटा, हम इधर ही इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ गुप्तेन जी, कोई काम है आपको हमसे? अरे हमें आपसे क्या काम होगा बहन जी, काम तो आपने निकलवाया है ठाकुर साहब से। जी कहना क्या चाहती हैं? पैसे के लालच में बेटी का ब्याह ऐसे घर में कर रही हैं जिस घर का बेटा अभी अभी हवालात के हवा खा के आया है। क्या बकवास करे जा रही हैं आप दोनों? देखिए सच तो हमेशा कड़वा होता है, अपने आप को इतना सीधा भी ना दिखाओ, लोग कुछ भी कहें लेकिन हम तो सब समझते हैं ना। सबको पता है पैसे के लालच में बेटी का सौदा कर रही हैं। बकवास मत करिए, हमने अपनी बेटी का रिश्ता उसके अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पे तय किया है। बेटी के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए। बेटी तो पता नहीं वहाँ पे क्या भुगतेगी, लेकिन आप जरूर ऐशो आराम करोगे उनके पैसों पे। अरे सब अपनी बेटी की खुशी के लिए दान दहेज देते हैं, अब ये ले रही है तो इसमें बुरा क्या है, उल्टी गंगा बह रही है। चुप हो जाइए आप दोनों। अरे इन्हीं लोगों के लिए तो वो शब्द बना है, वो क्या कहते हैं उसे, गोल्ड डिगर। हाँ गोल्ड डिगर, बेटी को ना बीज बनाकर बो रही है बहन जी, अब देखना सोना ही सोना होगा। अपनी जुबान को ना लगाम दीजिए, जो मुंह में आ रहा है बोली जा रही है आप लोग। हमारी बेटी मीरा का रिश्ता ना गर्व के साथ तय हुआ है, ना कि पार्थ के साथ, और इरादे तो हमें आपके लगते थे कुछ ऐसे। तो हमें क्यों घसीट रही हैं आप इसमें? अगर बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाए ना तो उससे दुनिया अंधी नहीं हो जाती है, और हमें भी खबर है कि आप पिछले 2 साल से बार बार अपनी बेटी का रिश्ता गर्व के लिए भेज रही थी, लेकिन अफसोस उन्होंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने खुद सम्मान के साथ हमारी मीरा के लिए रिश्ता भेजा है। हम नहीं गए तो उनके घर गोल्ड डिगर बन के, मोहल्ले की ऐसी खबरें हैं ना, उड़ते उड़ते हमारे छत पे भी आके थोड़ा सा आराम कर लेती हैं गुप्तेन जी, हम अंधे बहरे नहीं हैं। गर्व ने हमारी मीरा को खुद पसंद किया है और उस जैसे होनहार और इज्जतदार लड़के के साथ शादी करके हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और राज करेगी, ना कि कुछ भुगतेगी, समझे आप लोग?
समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा गवाह। अगर ये रिश्ता पार्थ के साथ हुआ होता ना तो हमारे जीते जी हम कभी नहीं होने देते। ये मीरा किसको देखकर मुस्कुरा रही है? मीरा, मीरा, मीरा बेटा, मीरा बेटा, चलो यहां से। हाँ, क्या हुआ माँ ऐसे अचानक से? कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ अगर खड़े रहे ना तो लोगों की बुरी नजर लग जाएगी, वैसे भी जल बुन के कोयला हुए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं, वही हाल है जमाने का।